नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर सिद्धांत निशाना। उनका साफ तौर से कहना, ऐसी नीतियां जिससे अमीरों की थाली में खाने की वृद्धि हो रही है, गरीबों की थाली से धीरे धीरे अनाज गायब होता चला जा रहा, गरीबों की थाली की रोटी छीनने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मंत्री। रीवा शहर का यह कैसा विकास, 50% लोग गरीब, चिन्हित लोगों को ही जमीन का ठेका व ठेकेदारी, गरीब को क्या मिला और गरीबी। रीवा शहर की 3,24,000 की जनसंख्या, उसमें 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे आज भी जी रहे हैं। बहुतों के पास तो किसी भी तरीके का कोई भी कार्ड नहीं है। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह साफ तौर से कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, यह कह रहा है नगर निगम रीवा में शासकीय राशन की दुकान पे मिलने वाले खाद्यान्न को जो लोग लेते हैं। ये आंकड़े जिससे प्रतीत होता है, मंत्री जी विकास के नाम पर शहर की आधी आबादी को आपने चुनाव जीतने के लिए नहीं गरीब बना दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष यहीं नहीं रुके, उनका साफ तौर से कहना, पहले 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल दिया जा रहा था, अब 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल दिया जा रहा है। ये सब हो रहा है राइस मिल और वेयर हाउस चलाने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जबकि रीवा में चावल के मुकाबले गरीब रोटी खाना ज्यादा पसंद करता है। देश और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब जनता के लिए नहीं, बड़े पूंजीपतियों व व्यापारियों के लिए है, तभी गरीब की जनता की थाली से धीरे धीरे रोटी गायब होती चली जा रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह आंकड़े देते हुए कहते हैं, रीवा में 45 वार्ड जिसमें शासन की 60 दुकानें, शहर के 78,598 लोग लाभ ले रहे, अति गरीब परिवार के 12,078 लोग हैं, गरीबी हाथ ठेला तथा अन्य कार्डधारी 18,113। ये साफ दर्शाता है यह सरकार गरीबों की नहीं अमीरों की सरकार, गरीबों की थाली से रोटी छीनने वाली सरकार। सुनिए गुरमीत सिंह पत्रकार वार्ता के दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे नहीं है, नगर निगम के हैं। नगर निगम के आंकड़ों में साफ है कि 78,598 लोग राशन उठा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो राशन नहीं उठा पा रहे हैं, उनके कार्ड बने हुए हैं। ऐसा क्यों? अगर आपके 15 वर्षों के 2003 से लेकर 2023 का ये दौर आ रहा है, आप विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और रीवा के सबसे पावरफुल मंत्रियों के माने जाते हैं, और आपके चंद भैया जी के आशीर्वाद वाले लोग जो पानी पिलाते हुए बोर लगाते हैं, भैया जी के आशीर्वाद से प्याव पिलवाते हैं, वो लोग सिर्फ बड़े आदमी बन गए और गरीब गरीब हो गया। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सत्यापित बात आपसे कर रहा हूँ। और अभी पूरे देश के अंदर एक आंकड़ा आ गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में हैं, ये आंकड़ा आया है। तो इस आंकड़े के आधार पे, इस रीवा के सत्यापन के आधार पे, वो आंकड़ा भारत देश का है और रीवा शहर का भी आंकड़ा यह है कि रीवा में 50% से अधिक आबादी गरीब है। जब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी गोल्ड मेडल लेते हैं कि गेहूं की पैदावार ज्यादा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो अगर जब गेहूं की पैदावार ज्यादा है तो आप गेहूं क्यों नहीं दे रहे हैं, चावल क्यों दे रहे हैं? चावल इसलिए दे रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी का खुद का वेयर हाउस है, उनके रिश्तेदार का वेयर हाउस है, उनके जितने राइस मिलर हैं सब उनके जेब के नीचे के लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है और कोई सहयोगी के रूप में है, चंदा सहयोगी के रूप में है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो चावल जो वेयर हाउस में सड़ जाता है वो बाद में कोटे में आता है, और कोटे से वो सड़ा हुआ चावल गरीबों को खाने को मिल रहा है। तो मैं राजेंद्र शुक्ला जी से कहना चाहता हूं कि पुनर्गठनीकरण योजना के तहत जितने लोगों को आपने जमीनें दी है, अपने सामने बैठा के उस कोटे वाला चावल खिला दीजिए तो हम मान लेंगे कि ये चावल सही है। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।